गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज नीरज और दिस इज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। और आज का वीडियो डेडिकेटेड होगा मुक्तेश्वर IVRI कैंपस के लिए। तो चलिए चलते हैं मुक्तेश्वर IVRI कैंपस। तो चलते हैं मुक्तेश्वर की तरफ और बाइक से जाऊंगा और स्टार्ट करते हैं बाइक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ अभी IVRI के कैंपस में। न्यू कॉलोनी ये कैंपस है और हम देखते हैं कि कैसा ये कैंपस है। ये पीछे कॉलोनी है और ये जो पीछे दिख रही है मेरे, ये भी कॉलोनी है IVRI की। और ये वीडियो मेरा डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो IVRI में रहते थे और जिनकी जड़ें IVRI में जुड़ी हुई हैं और जो IVRI में जिन्होंने अपने लाइफ के गोल्डन ईयर्स दे दिए, उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आज के लिए। और मैं अभी IVRI के ही कैंपस में हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखते हैं क्या है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये मुक्तेश्वर IVRI। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखते हुए, चलते चलते कुछ बात भी करेंगे। और ये वीडियो डेडिकेटेड होगी उन लोगों के लिए जो IVRI में पैदा हुए, पले बड़े और जिनकी जड़ें IVRI से जुड़ी हुई है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये काउसेट हुआ करता था। काउसेट 1905 का बना हुआ ये काउसेट है। बहुत ही IVRI में लोग रहते थे, बहुत अच्छा यहाँ पर का वातावरण हुआ करता था उस समय। लेकिन आज भी कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आता, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और ये कभी जो मेरे पीछे एक बिल्डिंग और देख रहे हैं आप, ये वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कभी सेंट्रल स्कूल हुआ करती थी बहुत साल पहले और बच्चे यहाँ पर को पढ़ा करते थे। और माननीय श्री नैनदत्त तिवाड़ी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये जो पीछे मेरे दिख रही है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सेंट्रल स्कूल थी। और एक छोटा सा मकान यहाँ पर को दिख रहा है, ये वो मकान है जिसमें लोग रहा करते थे, अब शायद कोई नहीं रहता। बहुत ही खूबसूरत मकान था, इसमें हमारे मुकेश भाई भी इसमें मकान में रहते थे। उनके सारे बच्चे यहीं पैदा हुए और उसको हुए इस मकान को वो कहते थे पैदा घर। आगे और चलते हैं, देखते हैं क्या बदला है और क्या नहीं। मेरी नज़रों से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं बदला है, बहुत ही खूबसूरत अभी भी है। ये रास्ता मैं चल रहा हूँ, सीसी मार्ग हो गया, पहले ईंट का खड़ंजा हुआ करता था और अब जो है ये सीसी मार्ग है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। और अब मैं आ गया हूँ फील्ड में, ये वही फील्ड जिस पर हम बचपन में खूब खेले हैं, खूब दौड़े हैं। ये वही मैदान जहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस मैदान पर दौड़कर ही फौज में भर्ती हुए होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे कि इन्होंने अपनी खेल की प्रतिभा को इसी मैदान पर निखारा होगा। और इस मैदान पे अब इतने बड़े गड्ढे भी दिख रहे हैं और एक डॉगी भी आ गया है। खैर, पूरा एक्सप्लोर करूंगा मैं, दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसा यह मैदान हुआ करता था और कैसा अब हो गया है। ज़्यादा परिवर्तन कुछ नहीं आया है, वही देवदार के पेड़, वही मैदान। और यहाँ एक गोल पोस्ट हुआ करता था, वो अभी मिसिंग है गोल पोस्ट। और वो सामने वाला गोल पोस्ट तो ठीक है, सबसे बड़ा मैदान ये होता था मुक्तेश्वर IVRI का। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ लिंगोड हाउस के सामने। ये लिंगोड हाउस जो है ये ब्रिटिश टाइम का है, डॉक्टर लिंगोड हुआ करते थे। माना जाता है कि IVRI के फाउंडर्स में से एक थे वो। ये लिंगोड हाउस है, इसका पूरा मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा बना हुआ है। ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है लिंगोड हाउस। इस तरह का दिखता है ये, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये ब्रिटिश टाइम की। इस प्योर जो पहाड़ के स्टोन होते हैं उससे बनी हुई इमारत है ये। आगे चल के मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग है लिंगोड हाउस। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, तकरीबन 1905 की बनी हुई ये बिल्डिंग है। और
ये एक गेस्ट हाउस के तौर पे इसे यहाँ पर अब यूज़ किया जाता है। पहले डॉक्टर लिंगार्ड इसमें रहते थे, उनका ये बंगलो था। इसके पास जाकर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से देखिए बना हुआ था। ये इसका एंट्रेंस है, बहुत खूबसूरत लकड़ी का इसमें डोर है और बहुत ही खूबसूरत है ये लिंगार्ड हाउस। और इसका स्टोन को देखिए, इसमें अगर आप फील करेंगे, हाथ लगाएंगे, तो ये बिल्कुल ठोस स्टोन है। बहुत बढ़िया तराशे गए स्टोन इसमें यूज़ किए हैं। हर एक स्टोन की नाप अपने आप में बहुत बेहतरीन है। तो लिंगार्ड हाउस में आप कभी अगर आई वगैरह इससे रिलेटेड हैं तो यहाँ रह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये लिंगार्ड हाउस, दूर से कुछ ऐसा दिखता है। इसकी सराउंडिंग में भी आप देखेंगे तो देवदार के पेड़ हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है लिंगार्ड हाउस। ब्रिटिश टाइम का है और आज भी वैसे ही धरोहर के तौर पे इन्होंने सजो के रखा है, आईवीआरआई ने। लिंगार्ड हाउस कुछ इस तरीके से इसका एंट्रेंस है। पहले ये उसी पुराने पत्थरों में बना था, अब मार्बल के ब्लैक स्टोन से ये बनाया गया है अभी। और गेट पुराना ही है, लेकिन इसकी पुरानी खूबसूरती को ना छेड़ते हुए लिंगार्ड हाउस को बनाया गया है। अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग एक अपने आप में विरासत है इंडिया के लिए। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा संरक्षित यह बिल्डिंग अपने आप में एक अजूबा ही कह सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग ये बनी हुई है और बहुत अच्छी जगह पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है। और इसके बारे में इतना भी कहूँ वो कम है। सराउंडिंग इसकी देखिए, बहुत खूबसूरत है। और हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कैसे लिंगार्ड हाउस दिखता है। हम यहाँ से देख लेंगे तो लिंगार्ड हाउस कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही खूबसूरत है लिंगार्ड हाउस, और पुराने लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी जिन्होंने अपना वक्त आईवीआरआई में गुजारा है। यहाँ पर खड़ा हूँ, वो पीछे मेरे आप देख रहे होंगे तो एक ब्रिटिश टाइम का एक बंगला दिखाई दे रहा है आपको, सामने मेरे पीछे तरफ है। और ये बंगला जो है, ये वेटनरी ऑफिसर का बंगला हुआ करता था उस समय। बाद में इसे सेंट्रल स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसकी सराउंडिंग कुछ इस तरीके की है। आईवीआरआई कैंपस के अंदर सिचुएटेड ये बंगला, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे पत्थरों से तराशा हुआ ये बंगला आप देख सकते हैं। यह है सेंट्रल स्कूल, और बच्चों ने इसमें पढ़ा होगा, उनकी यादें इससे जुड़ी होंगी और हमारी भी यादें इससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि हम आसपास ही रहते थे। और बहुत खूबसूरत जगह है, मैं तो प्राउड फील करता हूँ कि हम ऐसे खूबसूरत जगह में रहे। देखिए पीछे कितना खूबसूरत बंगला है, और ब्रिटिश टाइम का बहुत पुराना, 1905 का बना हुआ ये भी बंगला, इतना खूबसूरत है। अभी भी इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। अब देखिए क्या बंगला है, खूबसूरत बंगला ये आईवीआरआई के अंदर है। तो क्या है कि यहाँ से जाएँ घर की ओर, और बाइक में हम जाएंगे तो घुमा देते हैं। बहुत भारी बाइक है, वहाँ पर तो जाऊँगा ना।